हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 है क्लास 10th का, चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सो स्टूडेंट्स, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। स्टूडेंट्स, इसमें एलिवेशन भी है और डिप्रेशन भी है, दोनों को सही से समझेंगे। बिकॉज डिप्रेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, इससे पहले डिप्रेशन का कोई क्वेश्चन नहीं आया है। तो कैसे सॉल्व करते हैं एलिवेशन और डिप्रेशन के लिए? सो टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर हाई बिल्डिंग है ये कोई 7 मीटर हाई बिल्डिंग है और इसके ऊपर फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर, ये बिल्डिंग है और ये है एक केबल टावर। ये टावर है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर। एंगल ऑफ एलिवेशन कहा है टॉप से, तो एलिवेशन कहा तो मतलब टावर ऊपर ही होगा, ये बात ध्यान रखनी है। एलिवेशन का मतलब नीचे से ऊपर देखा जाता है, ये ध्यान रखना है आपको कि नीचे से ऊपर देखा जा रहा है और इसका जो एंगल है वो कितना है, वो है 60 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, और इसके फुट का जो एंगल है वो डिप्रेशन की बात की है, वो ये वो कितना है 45 डिग्री। मतलब डिप्रेशन की बात करेंगे तो ये 45 होगा और ये होगा 45, तो ये भी 45 डिग्री होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? सो डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट बतानी है। टावर की हाइट को हम एच लेट कर लेते हैं, ए बी सी डी ई लेट करेंगे, लेट द हाइट ऑफ द टावर बी एच मीटर, हाइट एच मीटर है। देखो ये 7 है तो ये भी 7 मीटर होगा। अगर ये 7 है तो ये ऊपर वाला h माइनस 7 हो जाएगा, फुल h है, पूरी h है, तो h में से 7 को माइनस कर देंगे तो h माइनस 7 हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, इसको x लेट कर लेंगे, जो डिस्टेंस है वो x हो गए बीच के इनके। सो हाइट जो है टावर की h मीटर हो गई। तो इसमें देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले किस में लेंगे हम x फाइंड करना चाह रहे हैं, बिकॉज ये अगर x होगा तो हमारा ये भी x हो जाएगा। तो अगर x हमारा फाइंड हो जाएगा तो फिर हम इस ट्राइंगल में पुट अप कर देंगे वैल्यू, इजीली हमारा आंसर आ जाएगा। तो इन ट्राइंगल ए बी ई, ए बी ई की बात करते हैं, ए बी ई 10 45 कितना हो जाएगा 7 अपॉन x, शॉर्ट में ही बता रहा हूँ आपको, बाकी आप 10 थीटा इसको टू पी अपॉन बी वो लगा सकते हैं, बाकी 7 अपॉन x हो जाएगा। सो 10 45 इज 1 इक्वल्स टू 7 अपॉन x, सो x कितना हो जाएगा 7। ये x हमारे पास 7 मीटर हो गया, x आ गया। नाउ इन ट्राइंगल आप कौन सा ट्राइंगल लेंगे, DCE, अब DCE ट्राइंगल लेंगे, इसमें 10 60 लिया जाएगा। सो 10 60 इक्वल्स टू h माइनस 7 अपॉन x, राइट, 1060 अंडर रूट 3 होता है, h माइनस 7 और x कितना हो जाएगा 7, ओके तो इसकी क्रॉस करेंगे ये हो जाएगा 7 अंडर रूट 3 इक्वल्स टू h माइनस 7। इसमें अगर h फाइंड करना है हमें तो h कितना हो जाएगा हमारा, ये 7 अंडर रूट 3 प्लस 7 हो जाएगा। सो h हो जाएगा 7 कॉमन लेंगे, अंडर रूट 3 प्लस 1, ओके तो यही हमारी हाइट हो जाएगी, ओके सो क्या पूछा था, द हाइट ऑफ द टावर इज 7 अंडर रूट 3 प्लस 1 मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ओके okay?